जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी में किडनैप हुए 4 वर्षीय नितिन की तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित करने के साथ बच्चे की सूचना देने वाले को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। इससे पहले किडनैप बच्चे के परिजन बच्चे की जानकारी देने वाले को 1,00,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर चुके हैं। जांच में पुलिस ने सीसीटीवी में एक संदिग्ध को देखा है जो कि बच्चे को गोद में कहीं ले जाता नजर आ रहा है। मेरा भाई नीरज गंगा स्नान के लिए आया था, वो उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था जो 4 साल का है। मेरा भाई नीरज जो है प्रसाद लेने के लिए एक दुकान पर रुका, अपने बेटे को उसने एक तख्त पर बैठा दिया, प्रसाद ले लिया। प्रसाद देने के लिए लेने के बाद जैसे ही उसे पैसे देने लगे तो ध्यान पैसों में चला गया और पैसे कटवाने में प्रसाद लेने में इतने ही बच्चा जो है वहाँ से खिसक गया या उसे किसी ने उठा लिया वहाँ से, ये पता नहीं चल पाया। हमने उसे काफ़ी तलाश किया, चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद हम थाने गए, थाने में चौकी गए, चौकी में हमारी रिपोर्ट लिख ली गई है। फिर पुलिस की सहायता से हमने वीडियो फुटेज देखी तो एक व्यक्ति उसे जो है अपने साथ उठा कर ले जा रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं आया लेकिन दूसरे फुटेज जो आई हैं उनमें उसका थोड़ा थोड़ा चेहरा नज़र आ रहा है। अब हमने और फुटेज भी निकलवाई हैं उसे क्लियर पिक्चर के लिए, उन्हें भी देख रहे हैं। पुलिस ने हमारी काफ़ी मदद करी है और भी मदद करने के लिए वो तैयार हैं। जैसे ही हमें बच्चा मिलेगा हम आपको सूचित कर देंगे, और किसी और को भी मिले तो हमारे बच्चे की सूचना हमें दे दें। ये उसका फ़ोटो है, फोटो दे देना। ये बच्चे का फ़ोटो है और 4 साल का ही बच्चा है, और जो व्यक्ति उसे किडनैप करके ले गया है उसका नाम पता मालूम नहीं है। तलाश कर रहे हैं हम, हमने काफ़ी गांवों में भी तलाश किया है, आसपास के मोहल्लों में देखा है लेकिन अभी तक बच्चा नहीं मिला। बता दें कि 4 वर्षीय नितिन अपने परिवार के साथ कार्तिक अमावस्या पर 4 अक्टूबर को ब्रजघाट पर गंगा स्नान करने आया था। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर 3rd निवासी नीरज अपने पुत्र नितिन के साथ घाट के पास पहुंचे और प्रसाद लेने लगे। इस दौरान उनका 4 वर्षीय बेटा नितिन उनके पास खड़ा था। जब नीरज वापस लौटे तो देखा कि वहाँ नितिन नहीं था। नीरज कुमार जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं अपने परिवार के साथ ब्रजघाट गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। उन्होंने 4 तारीख को गढ़मुक्तेश्वर को सूचना दिया कि उनका बच्चा भोर में लगभग 4 बजे लापता हो गया है, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद इसमें 3 टीमों का गठन किया गया। ये 3 टीमें लगातार केस के अनावरण और बच्चे की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा CCTV फुटेज को भी देखा गया। CCTV फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति एक छोटे से बच्चे को ले जाता हुआ दिखा पड़ रहा है, उसकी पहचान की जा रही है। शीघ्र ही बच्चे की बरामदगी कर केस का सफल अनावरण किया जाएगा, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने तलाशा लेकिन नितिन का कुछ पता नहीं चल सका। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है। पुलिस CCTV के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है जो जनपद हापुड़ के अलावा अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर जाकर जांच कर रही है। वहीं बच्चे की सूचना देने वालों को परिजनों ने 1,00,000 रुपये और पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।